हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुलेट मास्टर का। फ्रेंड फ्रेंड्स, आज ये है मेरे पास रॉयल एनफील्ड की क्लासिक और इसमें प्रॉब्लम आई है। कभी आपके साथ भी आ सकती है ये प्रॉब्लम, और इसमें क्या प्रॉब्लम आई है वो भी आपको दिखाऊंगा, और किस वजह से आई है प्रॉब्लम वो भी आपको दिखाएंगे और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। और 10 लीटर पेट्रोल का हो चुका है गाड़ी वालों का नुकसान, चलते हैं फटाफट और इसका काम चलते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, ये है वो गाड़ी और आप देख सकते हैं इसके एयर फिल्टर में भी पेट्रोल आ गया है, और इसी तरीके से साइलेंसर भी में भी पेट्रोल आ गया है, गीला हुआ पड़ा है। और कहां कहां पेट्रोल इसका जो 10 लीटर वेस्ट हुआ है कहां गया है वो भी आपको दिखाएंगे। पेट्रोल कहां तक भर गया है, अभी इनको भी साफ सफाई करेंगे अच्छे से। अभी इसका खोलने का पहले सिलेंडर में भी पेट्रोल भरा हुआ है। बाकी फ्रेंड्स, साइलेंसर और उससे पेट्रोल निकाल दिया हमने। बाकी अभी जो इसका इंजन ऑयल निकालते हैं, इंजन के अंदर भी पेट्रोल गया है वो भी आपको दिखाते हैं। पहले इसके बोल्ट वगैरह खोल लेता हूँ, ऑयल वगैरह निकाल लेता हूँ, ऑयल बोल्ट खोल के। बाकी फ्रेंड्स, हमने इंजन ऑयल भी निकाल दिया इसका, और इंजन ऑयल भी ज़्यादा निकला है, और इंजन ऑयल के अंदर भी पेट्रोल मिक्स है इसके। और इसके बाद अब इसका जो पेट्रोल जो आ रहा था वो प्रॉब्लम थी इसके कार्बेटर में, गाड़ी ओवरफ्लो हो गई थी। कार्बेटर भी खोल के साफ करेंगे, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये साफ सफाई कर लेते हैं। और कार्बेटर में कहाँ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ये बॉक्स वगैरह में पेट्रोल वगैरह भर गया था, साइलेंसर वगैरह में, और इंजन में भी जो पेट्रोल चला गया था वो भी आपको दिखाता हूँ। इसका कार्बेटर खोलते हैं फ्रेंड्स, और कहाँ प्रॉब्लम आती है कार्बेटर में वो भी आपको दिखाता हूँ। कभी आपके साथ भी आ सकती है प्रॉब्लम। देख रहे हैं कार्बेटर में भी गड़बड़ है, जंग भी लगी हुई है टंकी के अंदर। ये जो हमारी इधर बीच में होता है यहाँ पर कचरा आ जाता है, इसके कारण देख रहे हैं आप जंग लगा हुआ, ये सब कचरा इसके अंदर आ जाता है। तो इसकी वजह से फ्रूट पिन हमारी फंस जाती है कार्बेटर की, इस वजह से ओवर होने लगती है गाड़ी। बाकी इसके करते हैं साफ सफाई, और इसकी कार्बेटर की मैंने फुल डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है फ्रेंड्स। कि फ्रेंड्स, गाड़ी हमारी फिटिंग हो चुकी है, साइलेंसर वगैरह सारा लगा दिया हमने, इंजन ऑयल, कार्बेटर जो भी था सारा काम कर दिया साफ सफाई करके, एयर फिल्टर भी नया लगा दिया। एयर फिल्टर देख रहे हैं आप, पेट्रोल जाने की वजह से क्या हालत होगी इसकी एयर फिल्टर की। बाकी जब भी आपकी गाड़ी ओवर होती है, ये है ओवरफ्लो पाइप, आप देख सकते हैं नीचे, इससे कई बार आपने देखा होगा पेट्रोल टपकने लगता है, और कई बार नहीं टपकता है, कई बार ओवर ज़्यादा हो जाती है। तो कई बार हमारे जो बॉक्स यहाँ प्लास्टिक वाला बॉक्स है और एयर फिल्टर, इसमें भी पेट्रोल चला जाता है, और इसी के थ्रू कार्बेटर के थ्रू हमारा हेड और इंजन में भी चला जाता है और साइलेंसर में भी। बाकी अगर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आती है तो हमेशा ध्यान रखना, और बाकी आप जब भी गाड़ी को कहीं भी खड़ी करते हैं आप फ्रेंड्स, जब भी कहीं से चला के लेके आते हैं आपकी गाड़ी, कार्बेटर वाली है कोई सी भी कंपनी की बाइक है, हमेशा कोशिश करें कि जहाँ भी खड़ी करें तेल को ऑफ करके खड़ी करें। बाकी भाई गाड़ी को स्टार्ट करना, एक्सीलेटर लेना भाई।
क्या रेस ज़्यादा हो रही है? बाकी फ्रेंड्स, कभी आपके साइलेंसर में इस तरीके से पेट्रोल आ जाता है तो आप कोशिश करें कि गाड़ी को ऐसे स्टार्ट न करें, साइलेंसर को भी पानी मार के साफ़ करवा दें, क्योंकि हमने पानी का प्रेशर लगवा दिया था इसमें और भाई की गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ख़त्म हो गई है फ्रेंड्स। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।